हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ और मैं करेक्ट 5 बजे खड़ी हो गई हूँ, क्योंकि आज है हनुमान जी का जन्मदिन, मतलब बाबा हनुमान का जन्मदिन है। तो आज है मेरा व्रत, क्योंकि हनुमान जयंती का मैं व्रत हर साल करती हूँ। तो आज बाबा हनुमान जी का जन्म है, जन्मोत्सव है, तो आज हनुमान जयंती है और आज मेरा फास्ट है। फिर मैं फटाफट नीचे आ जाती हूँ और फिर मैं कर लेती हूँ स्नान। स्नान करने के बाद में फिर मैं बाहर आती हूँ तो मेरे को दिख जाता है चीमू, जो कि मतलब चक्कर काट रहा था कि मेरे को खाने के लिए दे दे। फिर मैं सबसे पहले मैं कोले सिलाती हूँ, क्योंकि मैंने मतलब दिन देखिए इतना निकल चुका है, मतलब सिर्फ स्नान किया, मतलब पानी भी गर्म नहीं किया, मतलब अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन मतलब गर्मी जो जो होती जाएगी तब क्या है दिन ऐसे मतलब बिल्कुल लाइट जैसे मतलब रोशनी दिखने लग जाएगी। फिर आ जाती हूँ मैं इस साइड में कोले सिलाने के बाद में, फिर मैं अपनी चाय को मंदी गैस के ऊपर, मीडियम गैस के ऊपर रख देती हूँ, क्योंकि जब तक मेरी पूजा पाठ कंप्लीट होगी तब तक क्या है मेरी चाय उबलकर मतलब बनकर तैयार हो जाएगी। और चीमू मतलब यहीं पर ही है, और मैं कभी वो इधर अंदर चला जाता, कभी बाहर चला जाता, कोले सिलाने के लिए भी वो मेरे पीछे पीछे ही था। और मतलब पानी अभी तक नहीं आया, मतलब पानी मतलब काफ़ी दिन हो गए हैं, काफ़ी मतलब क्या कहे मतलब पानी टाइम के ऊपर नहीं आता है, मतलब गैप देकर भी आने लग जाता है, छोड़ भी देता है, मतलब कई दिनों से वो परेशान कर रहा है। और टंकी तो मतलब भर ही नहीं पाती है। और फिर ये देखिए फिर आ जाता है पानी, और फिर मैं पीने मतलब पूजा पाठ कंप्लीट करती है तो मेरा पानी आ जाता है। सबको मैंने चाय दे दी है, मेरी मेरी छान कर रख दी है, क्योंकि मैं पीऊँगी बाद में, क्योंकि मैंने अभी मेरी पूजा कम्प्लीट नहीं की, मतलब मंदिर मंदिर की है, अभी ऊपर की नहीं की है। और फिर चीमू आ जाता है ऊपर, चीमू को दे देती हूँ रोटी, मतलब एक जगह उसको रात को दी थी तो वो छोड़ कर गया हुआ, और फिर दूसरी जगह फिर सुबह की दे देती हूँ, क्योंकि बासी रोटी बची हुई रोटी को बहुत कम खाता है, और उनको उठाकर मैं जा चिड़िया खाती ये वहाँ पर डाल दूंगी और फिर वहाँ से चिड़िया खा लेंगे। और ये देखिए फिर मैं मेरी पूजा पाठ के अंदर लग जाती हूँ और मतलब ऊपर पीने का पानी भर देती हूँ, मतलब पीने का पानी मैंने दोनों जगह भर दिया, ऊपर भी भर दिया नीचे भी भर दिया। और फिर मैंने कर ली मेरे बाबा जी की पूजा, मतलब शिवलिंग की पूजा, जो कि मैं डेली करती हूँ, मतलब शिवलिंग की पूजा और मेरे सूर्य देवता की और तुलसी मैया की पूजा मैं डेली करती हूँ, डेली की डेली। और व्रत होता है उस दिन मैं मंदिर के अंदर करती हूँ और पारायण होता है उस दिन। तो आज मेरा फास्ट है, मतलब तो आज मैं मंदिर के अंदर करके आती हूँ, और अभी तक मेरी चाय वैसे की वैसे रखी, मतलब मैंने अभी नहीं पिया है। और सूर्य देवता देखिए अभी भी दिखे निकले भी नहीं है, और तब तक मेरी पूजा कंप्लीट हो जाती है। इस टाइम के ऊपर मैंने पी ली है चाय और फिर मैं झाड़ू लगाना स्टार्ट कर देती हूँ, मतलब अभी झाड़ू वगैरह कहीं पर भी स्टार्ट नहीं किया, अभी मैंने सिर्फ मैंने नहाए धोई हूँ बहुत, सबके लिए चाय पानी बनाया है, पानी गर्म मतलब पानी भरा है। और अब मैं चाय पीने के बाद में फिर मैं मेरी मतलब सफाई के अंदर लग जाती हूँ, मतलब अभी सिर्फ मेरी पूजा पाठ, क्योंकि मेरा मतलब क्या कहें मैं भगवान के ऊपर विश्वास करने वाली, अंधविश्वास भी नहीं कह सकते, अंधविश्वास करने वाली औरत हूँ, मतलब पहले लड़की थी अब औरत हूँ, मतलब ये तो नॉर्मली बात होती है, लेकिन हाँ भगवान के ऊपर अंधविश्वास करती हूँ। और फिर देखिए मैं लग जाती हूँ, और बाहर झाड़ू लगाने के बाद मैं अंदर बिस्तर वगैरह ठीक कर देती हूँ, झाड़ू लगा देती हूँ, अंदर की सफाई कर देती हूँ, बाहर की कर दी है कंप्लीट, और मेरा लाडू जी सो रहा अभी भी। और आप देखिए हो गई मेरी सफाई कंप्लीट, दिखा देती हूँ, देखिए लाडू जी अभी भी सो रहे हैं, और सफाई मेरी पूरी कंप्लीट हो गई, बिस्तर वगैरह सब कुछ ठीक कर दिए हैं, और सफाई देखिए सब कुछ क्लियर कर दिया है, और पीने का पानी भर दिया था, सफाई इस साइड से भी कंप्लीट, मतलब कमरों वगैरह के सबकी कर दिए। और चीमू मतलब नीचे चला गया, मतलब कभी वो अंदर रहता कभी बाहर रहता, कभी नीचे चला जाता है। और तुलसी मैया इतनी इतनी हुई है, थोड़ी सी और बड़ी हो जाएंगे जब इनको शिफ्ट कर दूँगी, तब तक इसी के अंदर बड़ी होंगी, क्योंकि इतनी छोटी तुलसी मैया नहीं लगेंगी, मतलब दूसरे कमरे में शिफ्ट करने के बाद में भी सूख जाएंगी। और ये देखिए हो गई है सफाई कंप्लीट, और ये बेल है कद्दू की, मतलब जो गोल कद्दू होते हैं उसकी। और ये देख फिर आ जाती हूँ मैं नीचे, और मैं बर्तन वगैरह जचाने लग जाती हूँ, क्योंकि अभी तक बर्तन वगैरह भी रात के जचाए नहीं है, वैसे के वैसे रखे हुए हैं। और बर्तन वगैरह जचा रही हूँ तब तक क्या है मैं दोबारा की चाय को रख देती हूँ, और फिर मैं बाबा जी की मतलब बाबा जी को नहला देती हूँ और तैयार कर देती हूँ, क्योंकि दोबारा की चाय का टाइम हो गया है। और फिर ये देखिए बाबा जी को कर दिया तैयार, मेरे लड्डू गोपाल जी तैयार हो गए हैं, इनको शीशा दिखा दिया, मैंने शीशा देखिए, और ये देखिए आप लोगों को भी दिखा दिया, और ये रहे मेरे लड्डू गोपाल जी, बहुत प्यारे से हैं, मतलब छोटे से 0 साइज के हैं, क्योंकि जब इनको मैं लेकर आई थी तो मुझे इतना ज्ञान नहीं था कि कितना साइज का कितना क्या होता है, बस हाँ ये होती है श्रद्धा भावना, ये सब मतलब सबके अंदर होती है, मतलब भगवान छोटा हो या चाहे बड़ा हो, लेकिन हसरा लेकिन ये है कि हाँ मेरे घर में 0 साइज़ के कान्हा जी हैं, जिनको मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ। बाबा जी को चाय दे दी, मेरा लाडू जी खा रहा है नमकीन। और फिर ये देखिए चीमू जी को हो गया आई फ्लू, मतलब क्या कहें, मतलब बेचारी की एक आँख बंद है, एक खुली है एक बंद है। और फिर मतलब इसका मतलब ठीक करने का तरीका, मतलब जो मतलब मैंने पढ़ा भी है कि मतलब एनिमल वगैरह मतलब अपनी चीज़ घाव वगैरह या मतलब जो भी चीज़ हो जाती है उसको कैसे ठीक करते, मतलब सिर्फ पढ़ा पढ़ा था, देखा आज पहली बार है कि मतलब थूक लगा लगा कर मतलब देखिए सब कुछ मतलब हाथों से लगा रहा है, और मतलब एक बुरुस आँख पे मतलब पूरा का पूरा क्लियर कर लेगा, और देखता है शाम तक ठीक होती है या नहीं होती है, लेकिन मतलब हाँ देखिए लगा ऐसे ही रहा दवाई के रूप में।
इसके एक दो बार चोट भी लग चुकी है, वो भी वो ऐसे ठीक करता है, मतलब थूक लगा लगा के, मतलब उसको ऐसे मतलब रब करता रहेगा जीभ से, और फिर बाद में उसका ठीक हो जाता है। और ऐसे करके आई फ्लो के ऊपर लगाया जा रहा है, देखते हैं कितने दिन में ठीक होती है। लेकिन आज तो बेचारे की एक आँख से देखे जा रहा, मतलब चल रहा है ना तो भी मतलब टेढ़ा टेढ़ा चल रहा है, क्योंकि उसको एक साइड से शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि ये तो नॉर्मली बात है, एक आँख बंद हो जाएगी तो फिर हाँ। लेकिन वो बोल लगाता जा रहा है म्याओं म्याओं, कि मतलब हो सकता है उसको पेन हो रहा, क्योंकि इंसान के होता है तो भाई पेन होता है, आई फ्लू के अंदर होता है वो ज़्यादा, तो उसके भी हो रहा होगा। ये आ जाती प्यारी सी गौ माता, इसका नाम मैंने प्यारी रख रखा है, इसको दे दिए पहली रोटी जो कि हम गौ माता की निकालते हैं। और फिर मैं लाडू जी को मैं खाना खिला रही हूँ, जो सोफे के ऊपर लेटा हुआ। गुन्नू नहा कर आई है अभी, और मतलब गुन्नू आराम से नहा कर आई है, और फिलहाल वो बातें किए जा रही है मेरे से, और चेष्टा बाबू को मैं खाना खिलाई जा रही हूँ। मतलब यहाँ से सफाई करूँगी, बिस्तर वगैरह ठीक करूँगी, झाड़ू लगाऊंगी, तब तक ये चेष्टा बाबू खाना खा लेगा। और सफाई देखिए मेरी पूरी क्लियर हो गई है, मतलब नीचे की, ऊपर की पहले हो गई थी, ऊपर की मैंने आपको दिखा दिया था, अब हो गई है नीचे की। आज मैं कपड़े नहीं दूंगी, क्योंकि आज तो एक नंबर, एक बात तो मंगलवार है, और दूसरा है आज हनुमान जयंती है, मतलब हनुमान जयंती की ये नहीं तो बुधवार होती है, तो हनुमान जयंती को मेरे को कपड़े नहीं धोने, लेकिन हाँ मंगलवार को मैं नहीं धोती हूँ, तो आज मंगलवार है तो मैंने कपड़े नहीं धोने हैं मेरे को। और सफाई मेरी क्लियर हो चुकी है, और ये देखिए बिल्कुल साफ़ कर दिया है सब कुछ। और यह है कि हाँ थोड़ी देर में फिर मतलब सब कुछ गिरे किए कराई के ऊपर पानी फिर जाता है, क्योंकि आ जाती है आंधी, इतनी बुरी तरह से आंधी आती है कि सब कुछ इधर से उधर उधर से इधर कर देता है। और ये देखिए अमरूद के फूल इतने आ चुके हैं, लेकिन मतलब ये आंधी मतलब चलती रहेगी, तो मतलब एक डेढ़ महीने में आंधी चलती है, तो इसके आधे फूल गिर जाएंगे। इतना चीमू जी देखिए कहाँ आराम से बैठा हुआ है गमले के अंदर, क्योंकि उसकी आँख में हो रहा है दर्द, बार बार वो लगाए जा रहा है, वह आँख को मतलब रब किए जा रहा है लगा लगा के हाथ के ऊपर, मतलब खुद के हाथ के ऊपर। और ये देखिए मतलब वैसे हाथ पैर से नहीं खेला, सिर्फ पूंछ से खेल रहा है, और म्याऊ म्याऊ किए जा रहे। फिर मैं उसको रोटी दे देती हूँ, और बाहर आ गई है बारिश, पहले आंधी आती है फिर आ जाती है बारिश। और ये देखिए बाबा जी को रोटी दे दी है, और मैं खाऊंगी खाना, और चेष्टा बाबू को खिलाऊंगी, और फिर मैं उसको सुला दूंगी, क्योंकि देखिए आंधी इतनी बुरी तरह से आ चुकी है, और सफाई मेरी सारी सफाई के ऊपर बैंड हो जाती है। और चिमू सो रहा है मतलब खाना खाने के बाद में ऊपर छत के ऊपर जो सीढ़ियाँ हैं उनके बीच में, आंधी देखिए कितनी तेज आ रही है। मतलब पहले यदि बारिश आ जाए तो मतलब आंधी का ये हो जाता है कि ठंडी ठंडी हवा चलेगी, लेकिन ये कि पहले आंधी आती है तो सब कुछ मतलब ऐसा हो जाता है कि या तो धो दो या अगले दिन धो दो, धोना 100% पड़ेगा, क्योंकि इतनी सारी धूल आ जाती है अनलिमिटेड। और ये देखिए बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी आई हुई है, और बारिश देखिए नॉर्मल आती है, मतलब ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं आती कि मतलब पाइप वगैरह से पानी धूप करा जाए, हाँ इतना है कि हाँ काम मेरा बढ़ गया है। और फिर मतलब मैं सो जाती हूँ, मतलब उठ कर देखती हूँ तब तक ये सूख जाता है, फिर मैं नहीं धोती हूँ कि मैं कोई बात नहीं सुबह धोएंगे। उसका कारण भी एक बता देती हूँ, क्योंकि आप सोचते होगे कि मतलब क्यों नहीं धोया, क्योंकि पानी की शॉर्टेज चल रही है, क्योंकि पानी नहीं आ रहा है। और क्योंकि एक बार सफाई हो गई थी, सुबह देखते हैं सुबह भी पानी आ गया तो सुबह मैं सब कुछ धो दूँगी, क्योंकि सूख चुका है क्लियर हो गया। और ये देखिए मेरा चिमू जी क्या कर रहा है अपनी मम्मी के साथ में, ऊपर नीचे वॉक कर रहा है, कभी मम्मी ऊपर चली जाती कभी चिमू ऊपर चला जाता है, ऐसे करके दीवार के ऊपर वॉक किए जा रहे हैं, और आंधी के अंदर किए जा रहे, तेज आती है तब वो आ जाते हैं अंदर। ये है मेरी मतलब जब व्रत होता है उस दिन बीच में मैं एक बार चाय बनाती हूँ वो वाली चाय। और ये देखिए बाबा चिमू को दे दी है चाय, और देखिए बारिश अब भी आ रही है, और ये कह रहा है कि मतलब मैं बारिश के अंदर बाहर नहीं जाऊँगा, अब भी ये बाहर नहीं जा रहा है क्योंकि बारिश बाहर चल रही है। चिमू मतलब गुन्नू क्या है उसके मतलब रब किए जा रहे, मतलब खुजली वगैरह करती है ऐसे किए जा रहे तो उसको अच्छा लगता है, तो मतलब बस म्याऊं म्याऊं किए जा रहा है। हाँ उसकी आँख अभी तक ठीक नहीं, मतलब सुबह से लेकर शाम हो गई अभी तक नहीं हुई है ठीक। फिर ये होता है रात का टाइम जब मैं उसको मतलब चिमू को मोटे चिमू को रोटी देती हूँ, तो छोटे चिमू को भी बुलाती हूँ, वो नहीं आता है। ये मेरे बाबा की जोत, और ये रात का खाना।